नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद गंगा वाइब्स में। और इसमें बन रही है बहुत ही मजेदार मैगी से रेसिपी। और मैगी ऐसे नहीं, मैगी बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे इसको और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा फ्रेंड्स। तो एक बार इस ठंड के मौसम में इसको जरूर ट्राई करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दो प्याज, तीन प्याज है इसमें, दो ही लेंगे। टमाटर, मिर्च, बटर, मैगी मसाला, गाजर, धनिया का पत्ता और दो मैगी है, इसी से बनेगा अपना मैगी। इसको बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे, गाजर को भी बिल्कुल बारीक और टमाटर, इन सभी को अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पे मिर्ची भी काट के रख लिया हुआ है। अब मैगी को तोड़ लेंगे। मैगी को यहाँ पे निकाल लेना है इसमें से और हाथों से मसल लेना है। दोनों मैगी को निकाल लेंगे और मसाला ये वाला नहीं यूज करना है इसमें। इस मसाले को निकाल के एक तरफ रख देंगे, हाथों से मसलते हुए इसे तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तोड़ के रेडी कर लिया हुआ है। उसके बाद से गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें बटर का जो टुकड़ा रखा हुआ था ना, उसको इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद से मैगी नूडल्स जो है उसको इसमें ऐड कर लेंगे और इसको भून लेना है, अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब तक इसको 10 मिनट तक भूनना है, गैस का फ्लेम लो रखना है। तो देखिए यहाँ पे ब्राउन हो गया है, ये भून के अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको निकाल लेना है। देखिए अच्छे से भून गया है ये। इसको मैंने निकाल लिया हुआ है, एक थाली में निकाल लिया हुआ है। अब इसमें अपना प्याज जो काट के रखा था ना, उसको इसमें मिक्स करना है। दो से तीन चम्मच प्याज ऐड कर दिया। इसके बाद से टमाटर ऐड कर लेना है। इसके बाद गाजर, इसके बाद धनिया की पत्ती, यहाँ पे मैगी का मसाला ले लिया है, इसको थोड़ा सा मिक्स करना है आधा। इसके बाद टमाटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस और हरी मिर्च। हरी मिर्च स्वाद के अनुसार थोड़ा सा मिलाएंगे क्योंकि बच्चे इसको नहीं ज्यादा पसंद करेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा स्नैक्स बन के रेडी हो गया। ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, तो इसको एक बार जरूर ट्राई। और यहाँ पे शाम के स्नैक्स के लिए स्वादिष्ट मसालेदार और सरल मैगी भेल रेसिपी बना के रेडी कर लिया है। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा मैगी भेल रेसिपी। तो इसको गर्मा गर्म परोसे चाय के साथ शाम के समय, ये नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा रेसिपी रेडी हो गया। और इसको बनाने के लिए ध्यान जरूर रखें फ्रेंड्स, ताकि जब इसको भूने ना तो ये छोटा छोटा टुकड़ा होता है तो वो बहुत तेज पकड़ता है। तो उसको ध्यान रखें कि 2 मिनट से मतलब ज्यादा उसको ना भूने, गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो वो अच्छे से भुन जाएगा। नहीं तो नीचे से क्या होगा, जो छोटा वाला टुकड़ा होता है ना वो बहुत तेज पकड़ भी लेता है, तो उस चीज का ध्यान जरूर रखें।
और देखिए बहुत ही सुंदर सा रेसिपी बनके रेडी हो गया। चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा, तो एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। बड़ों से लेके बच्चों तक ये सबको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा।